इसके लिए कॉल आया था मुझे 3 दिन पहले, जगह नहीं थी इसलिए हमने डिले किया। और इसके लिए शिवम जी ने कॉल किया था चपड़ी से, अबैंडन्ड है वहाँ पे, उनको उनके एरिया में अचानक से डॉग दिखी। इसको काफ़ी ज़्यादा टिक्स है और उसकी वजह से घाव भी है इसकी पीठ पे। आइना का ट्रीटमेंट हमने आते ही शुरू कर दिया था, उसको एंटीबायोटिक्स पे रखा हुआ है, उसकी वूंड भी अच्छा हील हो रहा है और उसके टिक्स भी रोज़ रिमूव हो रहे हैं। पर एक प्रॉब्लम और है। ये अप्रैल में हुआ था इसी को, थोड़ा ना शाहपुर में बताया, फिर पालनपुर में बताया, फिर शाहपुर वाला में। मैं एक दिन एनिमल एरिया में ही थी जब एक ऐसा केस आया जिसे देख के मैं शॉक हो गई। बीना जी एक ऐसे डॉग को लेके आई थी जिसकी आंखें तो थी ही नहीं और आंखों की जगह बस ऐसे मांस की परत थी। ऐसा केस हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। पता नहीं क्या, वो ऐसे ही ना सफेद हो गई थी इसकी आंखें, फिर इतनी बड़ी बड़ी हो गई ना, जैसे जैसे बाहर आ जाती हैं ऐसे हो गई ना। फिर हम साहपुर लेके गए, फिर कल आपने पालनपुर लेके गए, तभी आपने लेके गए। उन्होंने उसे जगह जगह इलाज के लिए दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस तो है नहीं इस डॉग के आई साइट वापस आने के लिए, लेकिन फिर भी वील ट्राई आवर बेस्ट। आईना जब से आई थी तब से ठीक तो हो रही थी, लेकिन उसको देख के लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। पिटबुल्स के साथ क्या होता है ना कि वो लोग बहुत फियरलेस होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। आईना फ्रेंडली तो थी नो डाउट, लेकिन सहमी हुई भी बहुत थी। तो फिर हमने उसको घुमाने के लिए बाहर निकालना शुरू किया और उस टाइम ये नोटिस किया कि अगर आप उसको आवाज दोगे तो आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। आईना, आईना। फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि वो तो बहरी है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। हमें आईना के लिए बहुत बुरा लगा कि ऐसी हालत में उसकी मदद करने के बजाय किसी ने उसको सड़कों पर क्यों छोड़ दिया। अब सड़कों पर इतने ट्रैफिक के बीच में उसने अपने दिन कैसे गुजारे हैं ये उसी को पता होगा। पर अच्छी बात यह कि अब वो यहाँ है तो सेफ है और सबके साथ धीरे धीरे खुल भी रही है। पर ये सब तभी पॉसिबल हो पाया ना जब किसी ने उसको बचाने की जिम्मेदारी ली है। उसी तरह बीना जी जो मानव को यहाँ पे लेके आई थी, उन्होंने हमें ये बताया कि अपने एरिया के बहुत सारे डॉग्स की उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, वो उन्हें फीड करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि अगर मानव नहीं भी ठीक होता है कोई बात नहीं, वो पूरी जिंदगी उसका ख्याल रख सकती हैं। सरप्राइजिंगली मानव की आइज में थोड़ा सुधार हुआ है पहले से, जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जैसे कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है ट्रीटमेंट को और कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ उसमें, तो शायद उसकी आईसाइट वापस आ सकती है। हमें इतने क्रूअल्टी केसेस देखने को मिलते हैं, इतने इंजर्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं और ये सब देख के कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार कुछ भी ठीक होना इम्पॉसिबल है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो आईना जैसे डॉग्स को घर से बाहर निकाल देते हैं, पर दूसरी तरफ बीना जी जैसे, शिवम जी जैसे लोग भी हैं जो किसी की ज़िंदगी की कदर करते हैं चाहे वो एक बेजुबानी क्यों ना हो। फिर ऐसे लोगों को देख के हमें लगता है कि नहीं यार, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, पॉसिबल तो है।